मन्नार की खाड़ी में मौजूद रामेश्वरम एक लोकप्रिय द्वीप शहर है जिसका ऐतिहासिक मूल्य की अपनी एक अलग पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां भगवान राम ने राजा रावण के विरुद्ध अपना पड़ाव डाला था। ये शहर भारत के चार धामों में से एक है और यही वजह है कि इसे देश में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ये शहर अपना आध्यात्मिक महत्व भी रखता है क्योंकि यहाँ मौजूद है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव का एक हिंदू मंदिर है जो भारत में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थापित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामेश्वरम का रामेश्वरम मंदिर रामायण के जितना ही पुराना है। ये भारत का एक बहुत ही सुंदर और पवित्र तीर्थस्थल है जहां हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लिंग के रूप में इस मंदिर में मुख्य भगवान श्री रामनाथ स्वामी को माना जाता है जो वैष्णववाद और शैववाद का एक संगम है। पहले यहाँ पर मराठा शासकों ने शासन किया था और फिर छत्र का निर्माण भी रामेश्वरम में किया गया था। रामेश्वरम मंदिर के विकास में हिंदू शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके योगदान और दान के बदौलत ही रामेश्वरम मंदिर का विकास हो पाया था। कहा जाता है कि वर्तमान समय के आकार के मंदिर को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जानकारों के अनुसार राजा किझावन सेठूपति या रघुनाथ किलावन ने रामेश्वरम मंदिर के निर्माण कार्य की आज्ञा दी थी। मंदिर के निर्माण में सेठूपति साम्राज्य के जफाना राजा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। रामेश्वरम मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर का क्षेत्र लगभग 15 एकड़ का है जिसमें आपको कई प्रकार के भव्य वास्तुशिल्पी देखने को मिल जाएंगे। कला के साथ साथ आपको रामनाथ स्वामी मंदिर में कई प्रकार के अलग अलग शिल्पी भी देखने को मिलेगी क्योंकि समय समय पर इस मंदिर की रक्षा कई राजाओं ने की थी। एक और बात जो इस मंदिर को मुख्य बनाता है वो है प्राकृतिक झरने का पानी जिसे तीर्थम कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस झरने के पानी में डुबकी लगाने वाले लोगों के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस पानी में नहाने के बाद सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में 22 कुंड है जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं, हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। कहा जाता है कि रामायण युग में भगवान राम द्वारा शिवजी की पूजा अर्चना कर ही रामनाथ स्वामी के शिवलिंग को स्थापित किया गया था। महाकाव्य रामायण के अनुसार एक साधु ने श्री राम को कहा था कि शिवलिंग स्थापित करने से वहां रावण के वध के पाप से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए श्री राम ने भगवान अंजनेय को कैलाश पर्वत पर एक लिंग लाने के लिए भेजा, परंतु वो लिंग लेकर समय पर वापस ना लौट सके। इसलिए माता सीता ने मिट्टी की मदद से एक लिंग तैयार किया जिसे राम लिंग कहा गया। जब भगवान अंजनेय वापस लौटे तो उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ। उनके दुख को देखकर भगवान श्री राम ने उस लिंग का नाम रखा वैष्णव लिंगम। इसी कारण रामेश्वरम मंदिर को वैष्णववाद और शैववाद दोनों से जोड़ा गया है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो राम को इस बात का एहसास हुआ कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न नहीं किया गया तो रावण से युद्ध जीतना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे में भगवान राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना की थी और वो स्थान रामेश्वरम मंदिर कहलाने लगा। रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी एक और कहानी ये भी है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान राम ने इस स्थान पर शिव पूजा करने का मन बना लिया था। ऐसे में हनुमान जी को शिवलिंग लाने का काम सौंपा गया। हनुमान जी शिवलिंग लेने कैलाश पर्वत गए थे और यहाँ पूजा का मुहूर्त का समय निकलने जा रहा था। फिर क्या, माता सीता ने रेत का शिवलिंग बनाया और राम जी की पूजा समय पर करवाई। उधर इस बात से हनुमान जी को बहुत दुख पहुंचा क्योंकि वो काफ़ी दूर से शिवलिंग लेने गए थे। तब भगवान राम ने हनुमान की भावनाओं को समझा और आदेश दिया कि आप रेत के शिवलिंग को खत्म कर अपना शिवलिंग यहीं लगा दे। गौरतलब है कि हनुमान जी रेत के शिवलिंग को यहाँ से हटा नहीं पाए थे, तभी हनुमान अपनी गलती समझ गए थे। रामेश्वरम मंदिर के पास ही कई अन्य हिंदू तीर्थ स्थल है, जैसे कि हनुमान कुंड, अमृत वाटिका और बाराती तीर्थम। भक्तों का यहाँ जाना भी ज़रूरी बताया जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर और इसके आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। रामेश्वरम के इन तीर्थों में नहाना काफ़ी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही हैं। 22 संख्या को भगवान की 22 तीर्थ तर्कशों के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम दिया गया है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामेश्वर मंदिर के भीतर है। मंदिर के पास ही एक जगह ऐसी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ राम और विभीषण की पहली मुलाकात हुई थी और आज इस स्थान पर मंदिर बना हुआ है। मंदिर का गोपुरम लगभग 4000 फीट लंबा है, जिनके दोनों तरफ के स्तंभों पर बहुत ही सुंदर खुदी हुई शिल्पकारी देखने को मिलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए भारत आज।